चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि राजधानी दिल्ली से ही मिल रही है, जहां पर दिल्ली में एमसीडी चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। बता दें कि शुरुआती रुझान में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता दिख रहा है, तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर धीमी देखने को मिल रही है। इस बीच बड़ी खबर बता दें आपको राजधानी दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में एमसीडी चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल है, बहुमत की ओर है आम आदमी पार्टी। बता दें कि अभी तक शुरुआती नतीजों में आम आदमी पार्टी को 116 सीटें मिली है, 96 बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है, तो कांग्रेस के खाते में 10 सीटें जाती दिख रही है। 218 सीटों के अभी तक रुझान सामने आ चुके हैं। बता दें कि आपने अभी तक 113 सीटें जीत ली है, 96 सीटें बीजेपी ने जीत ली है, और दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी की मतगणना फिलहाल जारी है। अब तक 218 सीटों के रुझान भी सामने आ गए हैं, नतीजे सामने आ गए हैं। बता दें कि जिनमें से 113 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, 96 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, और कांग्रेस भी 7 सीटें जीतने में कामयाब रही है। और ये सीधा तस्वीरें देखिए, ये उत्तर प्रदेश से मिली है, जहां पर आम आदमी पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने बड़े ही हर्षोल्लास से इस चुनाव में जीत हासिल करने की खुशी मनाई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से अविनाश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अविनाश, जैसा कि शुरुआती रुझानों में हमने देखा कि बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए आम आदमी पार्टी आगे निकली, और रुझानों में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला, लेकिन नतीजों में भी आम आदमी पार्टी आगे दिख रही है। और जैसा कि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कार्यालय जो लखनऊ में है, उसमें भी जीत का जश्न जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा मनाया जा रहा है। अविनाश जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी कार्यालय पर यहाँ पर जश्न का माहौल है जी। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनका हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जब हमने प्रदेश अध्यक्ष से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि दिल्ली का जो मॉडल था कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आया, तो यही नतीजा है कि जो भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ के आम आदमी पार्टी जो एमसीडी का चुनाव है उसमें जो नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की शानदार एक परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय जो पार्टी का दर्जा मिलने की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी के लिए कारगर साबित होता दिख रहा है। बिल्कुल अविनाश, जैसा कि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें गुब्बारों से बकायदा पूरे कार्यालय को सजाया गया है, और झंडा फहराते ही कुछ कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, जश्न का माहौल है। तो इस खुशी को वो किसकी ओर ले जाना चाहेंगे, इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तमाम जो जमीनी स्तर के नेता जिन्होंने मेहनत की और आम आदमी पार्टी को इतने बड़े स्तर पर जीत दर्ज करवाई। विनाश जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में भले ही आम आदमी पार्टी लगातार जो है सरकार से उस तरीके से आपने देखा लगातार उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय नजर आई, यहाँ पर संजय सिंह भी लगातार उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के तरफ से जो है अपने सरकार के प्रति बातें रखते नजर आए, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पार्टी कार्यालय में यहाँ पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कह सकते आने वाले समय में आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जिस तरीके से सामने निकल कर आएगा, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए करारा टक्कर देखने को जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से मिल रहा है। यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष है जो लगातार यहाँ पर जश्न का माहौल है, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए अविनाश आपका बहुत शुक्रिया। तो इस बीच बड़ी खबर बता दें आपको, जहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में एमसीडी चुनाव में कड़ी टक्कर मिल रही है, उत्तर प्रदेश में आपके कार्यालय में जश्न का माहौल है, कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है।